ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है हमारे पास में, हम ये कंसीडर करते हैं ये पार्टिकल है, क्या बोलेंगे, ये पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है ऐसा कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, इधर से इधर ऐसे जा रहा है, सो इट परफॉर्म्स अ एसएचएम। तो जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उस पार्टिकल में क्या एनर्जी होता है, अभी वो एनर्जी मतलब उसका टोटल एनर्जी, बेसिकली हम क्या बोलेंगे, टोटल एनर्जी क्या होता है, सब पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है किसी भी पॉइंट पर ले लो, किसी भी पॉइंट पर आप ये बोल सकते हो कि उसका टोटल एनर्जी क्या है। तो टोटल एनर्जी के बारे में मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, और टोटल एनर्जी के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि टोटल एनर्जी क्या होता है, तो टोटल एनर्जी होता है कि कितना उस पॉइंट पर उसका काइनेटिक एनर्जी है प्लस कितना उस पॉइंट पर उसका पोटेंशियल एनर्जी है, ये होता है टोटल एनर्जी। तो मान लो अगर आपको यहाँ पे टोटल एनर्जी चाहिए होगा तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होता है और यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना वो हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो निकाल लेते हैं, या किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक है तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या काइनेटिक एनर्जी है वो हम निकालना चाहते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी रहेगा मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका कुछ वेलोसिटी भी रहेगा, बराबर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कुछ वेलोसिटी भी रहेगा। हम ये यहां पे बोलते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी उसका एक्सप्रेशन हमारे पास में क्या है, तो वो है दैट इज ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद है कि हमने फार्मूला निकाला था, तो वो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो है वो हमने लिख दिया यहां। तो काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इट इज हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है ना, और वेलोसिटी का वैल्यू हमने ये ले लिया, तो यहां पे आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर है, तो ये पूरा जो वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और उसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। इन सब चीजों का ध्यान देते जाओ, होल स्क्वायर वगैरह है, काफी बार ऐसा होता है स्क्वायर होता है लेकिन हम स्क्वायर करते नहीं है, डायरेक्ट वही वैल्यू लिख देते हैं, ये बहुत छोटी छोटी माइनर मिस्टेक होते रहती है, तो यही प्रैक्टिस से आपको क्या करना है थोड़ा ओमिट कर देना है, गलत बात है। सो इट इज व्हाट, इट इज 1/2 एम और ये इसका स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, ये ओमेगा का भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, है ना, ओमेगा का भी स्क्वायर होगा और ये स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर होगा, ओमेगा का स्क्वायर कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ उसका स्क्वायर, ये क्या होगा, इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला, इसको आप इक्वेशन 1 बोल दो, ठीक है। दूसरा जो है साइन और कॉस के फॉर्म में दिया है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, ये इतना काफी है, अपन को टोटल एनर्जी निकालना है, उसमें देखोगे तो साइन कॉस के फॉर्म में और निकाल देते हैं, उतने इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने इतना लिखा तो भी काफी है। सेकंड जो है आपको निकालना है उसका पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम, इन एसएचएम, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है निकालना है आपको, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल देखो आया यहां से ही होगा ना, यहां से कितना यहां तक डिस्प्लेसमेंट किया उसने x, तो यहां से यहां तक आया होगा मतलब x ये पॉइंट पर आया होगा, लेकिन वो आया होगा तो कहीं पे बीच की जर्नी से आया होगा ना, बीच की जर्नी से अगर आया होगा तो ऐसा एक छोटा सा जर्नी जो है इसका वो कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कहीं भी आया होगा ऐसा, और वो जो जर्नी है उसको कंसीडर करो कि वो कितना है dx है, और dx है तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक वो जा रहा है तो ऑब्वियसली देयर इज अ वर्क डन dw, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। सो यहाँ पे पहले छोटा सा वर्क डन यहाँ से यहाँ तक के लिए कितना होगा वो हम निकालते हैं, और उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक टोटल वर्क डन कितना होगा वो हम निकालेंगे बाय इंटीग्रेटिंग दिस स्मॉल dw, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि कितना वर्क डन उसने किया है, वही वर्क
फोटॉन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी इज अ पोटेंशियल एनर्जी, समझा गया? और वो वर्क डन, वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में यहां पे कौन सा फोर्स एक्ट होगा, रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा, है ना? जब एसएचएम परफॉर्म करता है तो पार्टिकल, तो उसके ऊपर में कौन सा फोर्स होता है, तो उसके ऊपर में रेस्टोरिंग फोर्स होता है एफ, बराबर है? तो हम यहां पे लिखते हैं स्मॉल वर्क डन, ठीक है, स्मॉल वर्क डन, तो स्मॉल वर्क डन क्या होता है, इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की फार्मूला है। स्मॉल वर्क डन जो है वो तो आपका dw है, ठीक है, जो फोर्स वहां पे एक्ट हो रहा है वो फोर्स आप ये f मान के चलो, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना है dx, dx जो है इतना डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, हो गया। तो फोर्स क्या होता है, रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, लास्टिंग होता है रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू kx, है ना? रेस्टोरिंग फोर्स कितना होता है इसके अंदर में kx, मतलब ये जो है ये स्प्रिंग से बंधा हुआ होगा ऐसा कंसीडर कर लो, और ये जो है ऐसा ऑसिलेट हो रहा है, तो वो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है ये k, और वहां पे रेस्टोरिंग फोर्स कितना एक्ट होगा, kx एक्ट होगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं इट इज kx इनटू kx इनटू क्या हो जाएगा ये dx, ठीक है क्या, dw is equal to kx into dx, सिंपली जो है आप ऐसा लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया छोटा सा वर्क डन, यहां से यहां तक का आपको यहां से यहां तक चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट अबाउट इक्वेशन, ठीक है, विद द प्रॉपर लिमिट्स, ठीक है, बाय लिमिट्स, ठीक है, बाय लिमिट्स, कौन से लिमिट्स रहेंगे, फ्रॉम 0 टू x, ये लिमिट पर टोटल वर्क डन कितना होगा, कौन लगा रहा है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं यहां पे इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x dw बराबर है, which is equal to kx, यहां पे लगाएंगे 0 टू x kx dx, ये हो जाएगा, ठीक है, और the integration of dw is what, complete w, यहां से यहां तक का टोटल वर्क डन जो है वो मिल जाएगा, तो दिस वर्क डन इज कैपिटल w, which is equal to, यहां से ये k क्या टर्म है, कांस्टेंट है, इसको निकालने के बाहर इंटीग्रेशन लगेगा 0 टू x into x dx, ओके, और मैंने आपको बताया था इसके पहले फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2 होता है, तो यहां पे लिखेंगे दिस इज w इज इक्वल टू k, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, और इसके लगेंगे लिमिट्स, ये हो गया अपर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट, एंड देयरफॉर दिस इज w इज इक्वल टू k, क्या होगा, अपर लिमिट पहले x की जगह लेगा माइनस करके लोअर लिमिट फिर x की जगह लेगा, तो यहां पे x की जगह x ही लेगा तो x स्क्वायर बाय 2 ही आएगा, माइनस करके 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ऐसा होगा ये, और दिस होल टर्म इज 0, देयरफॉर आप लिख सकते हैं w इज इक्वल टू दिस k एंड दिस इज x स्क्वायर बाय 2, ठीक है, बाकी तो 0 हो रहा है। अब यही वर्क डन इसमें स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो आप यहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं, this equation can also written as potential energy is equal to half k x square, so ye equation agar mil raha hai to as we know that omega square is equal to kya hota hai k by m hota hai, to k is equal to kya hona chahiye m omega square hona chahiye, to k ki jagah pe kya likhenge m omega square, to ye banne ka aapka potential energy is equal to half k ki jagah pe aayega m omega square x square, aisa aayega, theek hai। अब ये हो गया आपका इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन को मानेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया और ये हो गया इक्वेशन 2, आपको निकालना है टोटल एनर्जी, तो आप देखेंगे लास्ट में देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम इज, टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल क्या होगा, ये होगा टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बस इन दोनों का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो है यहां पे हम पुट कर देते हैं।
तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, इट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और यहां पे आ रहा है दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगा? तो ये बनेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा बनेगा ये। अभी इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ये कॉमन निकल रहा है, यहां पे लिख देते हैं देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या कॉमन? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो दिस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इट कैंसिल, ये बचना चाहिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, इतना वैल्यू है वो बचेगा। अब ये एम ओमेगा स्क्वायर और क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ के, तो आप इसी इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं दैट इज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है, हाफ के ए स्क्वायर, सो दिस इज द टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन एसएचएम। अब यहां पे वाइस पाया
में सी और उसका स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर, ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि ओमेगा कितना होता है? ट्वाइस पाई आर फ्रीक्वेंसी होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/2 एम इसका स्क्वायर रूट ऑफ 4 पाई स्क्वायर और एम स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से दिस 2 कैंसिल रूट ऑफ 4 हो जाएगा, तो यहां पे आप लिख सकते हैं दिस इज व्हाट दिस इज, ये हो गया ट्वाइस, यहां पे आएगा एम, यहां पे आएगा पाई स्क्वायर, यहां पे आएगा एम स्क्वायर और यहां पे आएगा ए स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज टोटल एनर्जी बट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, हां फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है यहां, लेकिन वही टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड चाहिए आपको, तो क्या लिखना पड़ेगा? देयरफॉर दिस टोटल एनर्जी, देखो ये इसे करना है तो कर सकते हैं, दिस एम इज व्हाट फ्रीक्वेंसी होता है 1/T होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T होता है, ये लिखेंगे ट्वाइस एम पाई स्क्वायर, यहां पे लिखेंगे 1/T उसका स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर, तो इस तरीके से बनेगा ट्वाइस एम पाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर मतलब 1 और ये a स्क्वायर और पूरा डिवाइडेड बाय आप लिख सकते हैं t स्क्वायर। ठीक है, टोटल एनर्जी इज दिस वन, थोड़ा सा और अच्छा अगर लिखना है इसको तो ऐसा लिख सकते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई स्क्वायर m और ये हो जाएगा आपका a बाय t इसका होल स्क्वायर, चाहो तो दोनों एक साथ लिख सकते हैं सिंपली तो वो भी चलेगा। सो दिस इज द टोटल एनर्जी।